स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज ग्राउंड जीरो में बात होगी छत्तीसगढ़ के आंख फोड़वा कांड की। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा मरीजों को दिखना बंद हो चुका है। इन मरीजों का रायपुर में इलाज भी चल रहा है। ग्राउंड जीरो में जानेंगे कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। बात त्योहार के सीजन में मिलावट के खेल की भी करेंगे। एमपी में शहर शहर मिलावट का कहर है। जबलपुर में खोआ मंडी में छापेमारी की गई तो भोपाल में 16 क्विंटल मावा जब्त किया गया। और हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। भोपाल से वासु चौरे हैं तो वहीं दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। इनके पास चलेंगे पर विस्तार से आपको खबरें भी बताएंगे। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आंख फोड़वा कांड हुआ है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों को दिखना बंद हो चुका है। इन्हें इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप है। 18 अक्टूबर को यहां एक कैंप में मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कई मरीजों को दिखना बंद हो गया। बताया जा रहा है कि फंगस वाले ओटी में मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। घटना के बाद सियासत भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में पहले भी आपको ये जानकारी दे दें कि आंख फोड़वा कांड हुए हैं। राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा और बागबहरा में भी कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। और अब दंतेवाड़ा में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन भारी पड़ चुका है। जो वहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, उसके राख रखाव में या दवाइयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, जिसके कारण ये हुआ है। क्योंकि पहले भी दंतेवाड़ा में ऑपरेशन होते रहे हैं। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर टारगेट का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। एक निश्चित संख्या में रोज ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट के मरीज दूरस्थ अंचलों में बहुत ज़्यादा हैं। और ऑपरेशन थिएटर की जो फिटनेस है वो राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दी गई कि नहीं दी गई, दवाइयों का स्तर क्या था, इसकी जांच रिपोर्ट आए बगैर डॉक्टरों को निलंबित करना मुझे लगता है कि डॉक्टरों में एक डर पैदा करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। दंतेवाड़ा के पहले धमतरी, हर जगह मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कल ही दंतेवाड़ा में 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और जो हमारे पास सूचना आ रही है, कल उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन किसी के भी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है। आज कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग भी मिलने जाएंगे। और सहयोगी हमारे साथ दिनेश गुप्ता दंतेवाड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, को ये पहली घटना नहीं है, शायद पहली घटनाओं से सीख ली गई होती अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, तो ऐसी लापरवाही हम नहीं देखते। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं है, आंखों का है, आंखों की रोशनी जा चुकी है। आखिर अब कार्रवाई किस तरह की होगी और जो इससे जूझ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? क्या आगे प्रोसेस रहेगी? क्या वो ठीक हो पाएंगे? क्या वो देख पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि जो दंतेवाड़ा में आग फोड़वा जो कांड हुआ है, इस पे लगभग 11 से ज़्यादा मरीजों की आंखों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है। जो इन्फेक्शन फैलने से, उनकी ज़िंदगी से, जो रोशनी से अंधेरा छा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्रारंभिक जांच में जो दोषी पाए गए सर्जन के साथ उसके दो सहयोगी को निलंबन किया गया था, पर अब जो खबरें मिल रही है कि दो और लोगों को जो इससे संबंधित है उनको बर्खास्त किया गया है। कहीं ना कहीं यह कार्रवाई करते जिला प्रशासन दिख रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन के अंदर में जो भी यहाँ जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए, उस ऑपरेशन में भारी लापरवाही देखने को मिली है। आइए हम कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं कि करोड़ों के DMF का फंड होने के बावजूद भी दंतेवाड़ा जिला में इलाज का अभाव है और कहीं ना कहीं जो फंगल इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन हुआ है आंखों में, उन आंखों की रोशनी गई उनको कौन देगा, उनके भरण पोषण कौन करेगा? क्योंकि ज्यादातर बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में इस लापरवाही को देखते हुए क्या कहेंगे। आप बताएं कि दंतेवाड़ा में जो हॉस्पिटल में लापरवाही सामने आई तो क्या कहते हैं आप? बड़ी मुश्किल से, तो एक जिले में एक अस्पताल है बड़ा, उसमें भी इस तरह की यदि लापरवाही की जाएगी तो हम सब जाएंगे कहाँ पे?
और इलाज के मामले में तो पूरी तरह से शून्य है। और इन्फेक्शन अगर हमें इस तरह से आँख चले जाएगी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, खासकर बुजुर्गों के साथ और ज़्यादा दिक्कत होगी। और हमारे यहाँ तो डीएमएफ पे इतना फंड होने के बाद भी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, ले दे करके एक बड़ी मुश्किल से पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेज को दिया था, दिदम को केंद्र मान के उसको भी दूर जंगल में ले आग बनाना चाहते हैं। पता नहीं ये सरकार और ये लोग करना क्या चाहते हैं, समझ से पूरी तरह पड़े। तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि अपने जो दंतेवाड़ा जिला की स्थिति क्या है, और भी यहाँ पर सज्जन है उनसे बात करेंगे कि दंतेवाड़ा जिला के हॉस्पिटल को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आए दिन लापरवाही देखने को मिल रही है। इससे पूर्व भी एक बच्ची अनन्या की लापरवाही से मौत हो गई। आइए हम बात करते हैं सर, बताएं कि आप इस लापरवाही को किस तरह से देखते हैं। देखिए, दंतेवाड़ा जिले में अस्पताल एकमात्र अस्पताल है, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं गाँव के लोग और उसी और ये पहली लापरवाही नहीं, इससे पहले भी जो है दंतेवाड़ा अस्पताल में कॉकरोच की भरमार, चूहों की भरमार को लेकर भारी सुर्खियों में समाचार पत्रों में था। और ये अस्पताल जो जवाबदार है पूर्णतः लापरवाह है। और ये जो दुर्भाग्य है, जो इस मोतियाबिंद ऑपरेशन में जिन बुजुर्गों की आंखों का जो मामला सामने आया है, ये आँख फोड़ इसमें तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जो जवाबदार अधिकारी है उनको सबको बर्खास्त कार्रवाई होना चाहिए। दंतेवाड़ा जिले में पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर अधिकारियों की लापरवाही सब सामने आ रही है, जिस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो प्रभावित लोग हैं शासन उनको मुआवजा दे और उनकी मदद करे ताकि वो अपनी अच्छा इलाज कर सके। देखिए, मुआवजे की बात चल रही है और कठोर कार्रवाई की भी बात चल रही है। आइए हम कुछ बाकी कठोर कार्रवाई की बात दिनेश यहाँ पर चल रही है। और जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, पर सवाल यही है कि इस तरह के अगर कांड बार बार सामने आते रहेंगे तो आखिर कैसे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। एमपी में त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों की मौज है, मावा और मिठाई के नाम पर शहर शहर जहर बिक रहा है, प्रशासन की ओर से एक्शन भी लगातार जारी है। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने सबसे पुरानी खोया मंडी में छापेमारी की। टीम ने दुकानों से खोए के सैंपल लिए, मिलावट की आशंका इस दौरान कुछ दुकानों पर गंदगी में मिली, जिनके तुरंत ही चालान भी काटे गए। भोपाल में भी दिवाली को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार छापेमारी हो रही है। भोपाल बस स्टैंड पर प्रशासन ने 16 क्विंटल मावा पकड़ा। ये मावा ग्वालियर से भोपाल बस के जरिए लाया गया था। ये माना जा रहा है कि जो ग्वालियर या भिंड मुरैना तरफ से जो खोवा आ रहा है वो थोड़ा मिलावटी होता है, उसके देखते हुए समस्त दुकानों में निरीक्षण किया जा रहा है, उनके लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं और नमूने भी लिए जा रहे हैं। नमूने लेकर के हमारे पास MFCL लैब भी है जो तत्काल जाँच कर रही है। तत्काल जाँच करने के पश्चात अगर ये प्रतीत होता है कि ये खोवा मिलावटी है अगर, तो हम लोग नमूने लिए हैं। उसके अलावा भी जो नमूने लिए जा रहे हैं वो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, जाँच रिपोर्ट पश्चात इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर ये अवमानक स्तर के पाए जाते हैं। तो शहर शहर जहर कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है इन मिलावटखोरों के द्वारा, और सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब शादी का सीजन आता है, त्योहारी सीजन आता है तो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कार्रवाइयां तो बहुत सारी होती हैं पर इस पर लगाम लगती हुई दिखती नहीं है। सहयोगी हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, इन मिलावटखोरों पर कितना भी एक्शन लिया जाए, कितना भी नकेल कसी जाए, पर हर बार फिर से ये सक्रिय होते हैं। शायद वैसी कार्रवाई मिसाल के तौर पर पेश नहीं होती है जैसी होनी चाहिए, इसलिए शायद ये रिपीटेशन बार बार होता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होता है। निश्चित तौर पर देखिए, खासतौर पर त्योहारी सीजन में जब लगातार स्वीट्स की डिमांड बढ़ती है, मावे की डिमांड बढ़ती है, तो जो मिलावट खोर है वो और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और मिलावटी माल जो है वो मार्केट में धड़ल्ले से सप्लाई होता है और यही माल फिर लोगों की जान माल के लिए एक नुकसान का और उसके नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। हमने कई बार देखा है कि फूड इन्फेक्शन होते हैं जिनके चलते लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा भोपाल में भी त्योहारी सीजन में लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और कुंटलों में जो नकली मावा है वो पकड़ा गया है। अपन बात करने की कोशिश करेंगे जो विक्रेता हैं, मिठाई विक्रेता हैं, और जो लगातार इस त्योहारी सीजन में चूंकि सेल भी बढ़ी है तो लोगों के पास भी अब ज़्यादा काम आ गया है। दिवाली का टाइम है तो डिमांड बढ़ जाती होगी आप लोगों के पास? जी सर, डिमांड बढ़ती है ना। डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि बाहर से जो मावा आता है वो कई बार खराब निकलता है, उसकी जांच होती है, सैंपलिंग होती है, इससे बचने के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग?
जी सर, हम सब चीज घर पे बनाते हैं और व्यवस्थित बनाते हैं साफ सफाई के तौर पे, और हम पहले बना के टेस्ट करके बाद में पब्लिक के सामने यूज करते हैं, यहाँ पे बेचने के लिए लाते हैं। आप पहले खुद टेस्ट करते हैं बाद में पब्लिक को खिलाते हैं? जी बिल्कुल। खिला के बताइए जरा हमारे कैमरे पे भी, हम देखें कैसे आप लोग टेस्ट करते हैं और पब्लिक को बाद में खिलाते हैं। कैसे आप लोग टेस्ट करते हैं बताइए, कैसे टेस्ट करते हैं? रबड़ी में फेमस है यहाँ का, रबड़ी में चलता है, और हम खुद खा के बाद में। आप टेस्ट करिए जरा कैसा लग रहा है। हम तो रोज ही टेस्ट करते हैं। मतलब आप गारंटी दे रहे हैं कि किसी तरह से हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? गारंटी के साथ। अच्छा, नहीं रहने दीजिए आप। तो देखिए, ये जो दुकान के संचालक हैं, इनका ये कहना है कि लोग बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो लोग इस तरीके का गलत काम करते हैं, ये लोग खुद भी उनके खिलाफ हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है। ये जो मावा और मावे से बनी जो मिठाइयाँ हैं, ये लोग त्योहारों पर घर ले जाते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं। खासतौर पर जो बच्चे रहते हैं और जो बुजुर्ग रहते हैं, उनकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से ये दुकानदार तो खैर दावा ही कर रहे हैं कि हम लोग खुद खाते हैं और फिर इसको मार्केट में देते हैं, और इसकी कोई भी जांच कर ले, इसमें कुछ भी अमानक नहीं निकलेगा, ये इनका कहना है। लेकिन इस तरीके के मामले सब जगह नहीं होते, जिस तरीके से जबलपुर से तस्वीरें आई, भोपाल से जो अमानक मावा जो है वो पकड़ाया है, तो उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि वो त्योहारी सीजन में व्यापार करें, वो ठीक है, ठीक बात है, अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सेहत से स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम ना करें। जी, एक बात यहाँ पर वासु ये भी है कि छोटी दुकानें हम देखते हैं, ठेलों पर हम देखते हैं जो ये बेचते हैं, शायद यहाँ पर इतनी मिलावट आपको ना मिले, पर बड़ी बड़ी जगह पर रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं या मिठाई मिष्ठानों पे जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलावट के खेल उजागर होते हैं, और वहाँ पर ही सबसे कम कार्रवाइयाँ हम देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी हो जाता है खाद्य विभाग के लिए, चुनौती भी होती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचें, कैसे पर्दाफाश करें या उसे सील किया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी चुनौती हमेशा बनी रहती है, क्योंकि खाद्य विभाग के पास अपना लिमिटेड अमला है, और भोपाल में अगर आप मिठाइयों की दुकानों की बात करें तो हज़ारों की संख्या में मिठाइयों की दुकान होती है। बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो मावे की डिमांड है वो होती है, अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी डिमांड होती है, और फिर वो मावा जो है वो अगर भोपाल से पूर्ति नहीं हो पाती तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं, और बाहर से आती हैं खासतौर पर ग्वालियर मुरैना के भिंड के रास्ते जो चीज़ें आती हैं उनमें बड़े पैमाने पर मिलावट पाई जाती है, जैसा कि आज सुबह भी भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई भी की है। तो त्यौहार के और ज़्यादा पहले से सक्रिय होना पड़ेगा, इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ना पड़ेगा, और जहाँ पर भी मावा बनता है, जिन भी फैक्ट्रियों में उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर भी दबिश दी जाए और वहाँ से डायरेक्ट सैम्पलिंग हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ला सकता है। क्योंकि अब चूंकि दो दिन बाद दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो दुकानदार हैं वो स्टॉक पहले तैयार कर लेते हैं। जो बड़े दुकानदार होते हैं वो कितने दिन पहले मिठाइयाँ बनाकर रख लेते होंगे? मालूम नहीं है सर, बड़े दुकानदार कितने दिन पहले रहते हैं, लेकिन हमारे तो रोज का रोज बनता है, रोज खत्म हो जाता है। लेकिन जो जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी कि जो बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो पहले से इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो तैयार करके रखना शुरू कर देते हैं, तो उनके ख़राब होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आप भोपाल में कार्रवाइयों को देखें तो कई बड़ी संस्थानों पर, बड़ी दुकानों पर कार्रवाई हुई है, और वहाँ पर दुकान को लाइसेंस सील करने जैसी जो कार्रवाई है वो भी की गई है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर किचनों में भी जो गंदगी है वो पाई गई, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अक्सर सामने आती हैं, और इसका नुकसान अगर कोई भुगतने वाला होता है तो वो होता है ग्राहक, वो होता है कंज्यूमर, जो बड़े भरोसे के साथ इन मिठाइयों को अपने घरों पर ले जाता है, बड़े चाव से खाता है, और बाद में पता चलता है कि यही सारी चीज़ें उसके लिए और उसके पूरे परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो जाती हैं। जी वाकई वाकई। और खाद्य विभाग की सक्रियता जिस तरह से हम देख रहे हैं, आने वाले समय में हम ये वासु मान सकते हैं कि बहुत जगह पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, छापेमारी, और कहीं पर बहुत जगह पर रेस्टोरेंट्स या दुकानें सील भी की जाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, साई कैबिनेट का जिक्र करते हैं। साई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण राज्य में जल्द होने हैं। पंचायत और निकाय चुनाव, बता दें नई औद्योगिक विकास नीति पर मुहर लगी है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान है। विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नया रायपुर में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो साई कैबिनेट की बैठक, इसमें कई मुद्दों, कई फैसले लिए गए हैं, कई फैसलों पर मुहर भी लगी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण भी होगा, राज्य में जल्द होने हैं पंचायत और निकाय चुनाव, और उसी को देखते हुए ये बड़े फैसले जो हैं सरकार की ओर से लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये लिए गए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साई कैबिनेट की बैठक और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई फैसलों पर मुहर भी लगी है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान होगा। बता दें विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो वहीं नया रायपुर में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई और बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कैबिनेट की बैठक थी, इसमें कई सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी और फैसले भी होने थे और फैसलों पर अब मुहर भी लग चुकी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रहेगा, ये भी आपको जानकारी दें कि राज्य में जल्द पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के आज महत्वपूर्ण ये चर्चा और महत्वपूर्ण ये फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। ये जानकारी भी आपको दे दें कि नई औद्योगिक विकास नीति पर भी मुहर लगा दी गई है सरकार की ओर से। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान इसमें होगा। विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो वहीं नया रायपुर में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, साई कैबिनेट की बैठक हुई है, कितनी खास ये बैठक हुई और आगामी चुनावों को देखते हुए, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कितनी खास ये बैठक, किन किन मुद्दों पर मुहर, बताइए। जी देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई 16वीं बैठक में, आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अगर सबसे बड़े फैसले की बात करें तो नई उद्योग नीति पर मुहर लग गई है। इसके तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जो है वो औद्योगिक क्रांति एक तरीके से लाया जाएगा, सिस्टम बनाया गया है, विकास खंड स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी मुहर लगा है। बात अगर चुनाव को करें तो पंचायत चुनाव को लेकर जो ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही थी, आयोग ने उसको उसकी रिपोर्ट सौंपी है और उस पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा दर्शन योजना पर मुहर लगी है, इसके लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। 60 साल से अधिक आयु, विधवा, परित्यक्ता और अन्य श्रेणी में आने वाले जो लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा निःशुल्क रूप से शासन द्वारा कराया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को जो है वो लागू किया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये बेहतर एक तरीके से प्रयास है। इसके साथ ही नया रायपुर में जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भूमि क्रय को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।